नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हेयर ड्रायर का। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये एक पैनासोनिक कंपनी का हेयर ड्रायर है जो मैंने अभी भी अमेज़ॉन से रिसीव किया है। तो आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसका ये मॉडल नंबर है EHND11। तो ये है पैनासोनिक कंपनी का, इसका मॉडल नंबर है EHND11। तो इसी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये इसका ये बॉक्स है और कुछ इस तरीके से इसका ये बॉक्स है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1000 वाट का ये हेयर ड्रायर है, मतलब कि जो इसका मैक्सिमम वाट है वो 1000 वाट है और 230 वोल्ट के ऊपर ही चलता है। और जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है टर्बो ड्राई फॉर फास्ट ड्राइंग, लाइट एंड कॉम्पैक्ट। तो दोस्तों, इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इस समय इसका प्राइस अमेज़न के ऊपर 700 रुपये के आसपास का प्राइस है, लेकिन जब मैंने इसे बाय किया तो मुझे ये 600 रुपये के आसपास का मुझे पड़ा था। तो मतलब कि इसका जो प्राइस है वो 100-150 रुपये के ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस समय इसका प्राइस है वो 700 रुपये के आसपास है, लेकिन मुझे ये 600 रुपये के आसपास का मुझे ये पड़ा है। और इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी दी गई है, मतलब कि इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे हेयर ड्रायर हैं, तो मैंने इसी को क्यों परचेज़ किया है? देखिए, इसको मेरा परचेज़ करने के 2 ही रीज़न थे। सबसे पहले तो इसका प्राइस, क्योंकि जो इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो 600 रुपये से थोड़ा कम पड़ा है मतलब। और सेकंड जो है, इसकी जो रेटिंग है वो लगभग 5 में से 4.5 इसको स्टार रेटिंग मिली गई है, जिसे जो है 3000 लोगों ने रेटिंग दी है। तो इसलिए इसे मैंने इसे बाय किया है, मतलब कि इन दोनों पहलुओं को देख के मैंने इसे बाय किया है, क्योंकि इसका प्राइस भी मेरे बजट में था और इसकी रेटिंग भी काफ़ी हाई थी, तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है। तो दोस्तों, चलिए इसको हम एक बार उसे ओपन कर लेते हैं, ये किस तरह से ये हेयर ड्रायर है और किस तरह से ये हम इसे चला के चेक करेंगे एक बार। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का हेयर ड्रायर है, और ये जो बॉक्स है इसमें खाली बॉक्स है, इसमें सिर्फ ये हेयर ड्रायर और ये मैनुअल्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम इस मैनुअल्स को साइड में रख देते हैं और हम देखते हैं हमारा हेयर ड्रायर। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हेयर ड्रायर है और कुछ इस तरीके से इसकी ये वायर है। तो दोस्तों, इसकी जो वायर है इसे मैंने मतलब पहले ओपन करके चेक कर लिया था, तो मैं इस वीडियो की वजह से मैंने दोबारा इसको पैक करके मैंने करा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वायर लग रही होगी इस तरीके से। लेकिन इसकी जो वायर है आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी बड़ी वायर है। तो इसकी जो वायर है वो 1.8 मीटर की ये वायर है, और जैसे आप देख सकते हैं इसे काफ़ी बड़ी वायर है वायर भी। और प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, अगर इसकी हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके साथ देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की इसकी जो मतलब मटेरियल लग रहा है, और देखने में भी काफ़ी मुझे मतलब मजबूत लग रहा है देखने में, और काफ़ी स्मॉल है और देखने में काफ़ी मतलब आप कहीं भी से इजीली कैरी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये है, ये इसका बैक का है, और जैसा देख सकते हैं ये इसका आगे का है, और इसमें यहाँ पे ये बटन्स हैं, यहाँ पे ये 2 ही इसमें बटन्स दिए गए हैं, मतलब कि इसमें 2 ही मतलब हैं, यहाँ पे ये मीडियम और ये हाई। और दोस्तों, ये जो हेयर ड्रायर है इसमें आपको सिर्फ हॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हेयर ड्रायर है सिर्फ हॉट पे काम करता है, क्योंकि ये जो हेयर ड्रायर है इसमें सिर्फ 1 ही बटन दिया गया है और इसमें सिर्फ 1 ही हॉट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, इसके एक बार हम इसे चालू कर देते हैं, इसका मैं सब प्लग करता हूँ एक बार। तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने प्लग कर लिया है और अब हम यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑफ पर है और यहाँ से ये चालू हो गया है 1 पर। ये है इसका मीडियम, आप देख सकते हैं मीडियम पे चालू कर रखा है, और ये है इसका हाई पे। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी तेज चल रहा है इसकी, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ को। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये जो हेयर ड्रायर है कुछ इस तरीके से काम करता है, और इसमें जो है सिंपल आपको हॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोल्ड और गर्म दोनों में चाहिए तो आप दूसरा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, पैनासोनिक कंपनी का दूसरा आता है जो थोड़ा कॉस्टली आता है। इसका जो आपको प्राइस पड़ेगा आपको वो आपको 900 रुपये के आसपास का ये मतलब मिलेगा, और ये जो मुझे पड़ा है 600 रुपये के आसपास का मुझे ये पड़ा है। और इसमें एक पैनासोनिक का एक दूसरा आता है जिसका मॉडल EHND12 है, और वो जो है आपको लगभग 900 रुपये के आसपास का पड़ेगा, तो वो मेरे बजट में नहीं था तो इसलिए मैंने उसे बाय नहीं किया है।
और अगर आपको एक कम बजट में चाहिए हॉट और कोल्ड में, तो एक चोबारा नाम से एक ब्रांड है जो लगभग 600 रुपये के आसपास की रेंज में आपको वो मिल जाएगा। लेकिन वो क्या है, वो जो है वो जो ब्रांड है वो नॉर्मली ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको बाय नहीं किया था। तो इसलिए मैंने इसको बाय किया जो मेरे बजट में आता है, 600, मेरे 500-600 रुपये के बीच में मेरा बजट था, तो इसी बजट में मैंने बाय किया है। और मुझे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है। और अगर आप चाहें तो एक फ़िलिप्स कंपनी का भी आता है, उसे भी आप बाय कर सकते हैं, जो उसका आपको 1000 रुपये के आसपास का प्रोडक्ट मतलब प्राइस पड़ेगा। उसका लिंक आपको सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहें तो एक हैवल्स का भी आता है, हैवल्स का भी 1000 रुपये के आसपास आता है, वो भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें हॉट और कोल्ड आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। और एक सिस्का जो कंपनी है, सिस्का कंपनी के सिस्का ब्रांड के नाम से भी एक हेयर ड्रायर आता है, इसमें भी आपको हॉट और कोल्ड दोनों मिलेंगे, वो 900 रुपये के आसपास उसका प्राइस है। और अगर आपको कम बजट में चाहिए तो एक चोबारा नाम से आता है, जिसका जो प्राइस है इस समय जो अमेज़न के ऊपर है वो 600 रुपये के आसपास है। वो 2000 वाट का जो है मतलब प्रोडक्ट है, ब्लैक एकदम टोटली ब्लैक कलर में आता है, और उसका भी काफ़ी अच्छा हेयर ड्रायर हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लेकिन वो ब्रांड जो है ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है, तो मैंने ज़्यादा उसका नाम नहीं सुना है, तो इसलिए मैंने उसे बाय नहीं किया था। और उसकी भी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, उससे भी काफ़ी लोगों ने मतलब अच्छी रेटिंग दे रखी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चोबारा नाम से एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हेयर ड्रायर का, तो आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं। वो आपको 600 रुपये का मिल जाएगा, इसमें आपको हॉट और कोल्ड दोनों के ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा जो हेयर ड्रायर है, जैसे आपको देख सकते हैं कुछ ये वाला मैंने हेयर ड्रायर बाय किया है, पैनासोनिक का EH ND11, इस मॉडल नंबर का। इसका जो 1000 वाट का आता है और इसकी 2 साल की वारंटी है, तो यही मैंने प्रोडक्ट बाय किया था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।